वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप लोगों का स्वागत करती हूँ वेम्पिक्स में। और आज हम लोग वीकली करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। जो भी हमने पिछली क्लासेस में करंट अफेयर क्वेश्चंस किए थे, उसमें सिर्फ आज आप लोग का एक तरह से टेस्ट होगा, जिसमें आप लोग अपने अपना अपना टेस्ट देंगे और देखेंगे कि कितना करेक्ट आंसर हो रहा है। ठीक। और ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 21 से 27 तारीख के बीच के। ओके, तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 21 मई 2021 को मनाया जाने वाला इंटरनेशनल योगा डे का थीम क्या है। ठीक। तो 21 मई 2021 को जो योगा डे मनाया गया था, उसका थीम क्या था वो बताना है आप लोगों को। तो ऑप्शन है आप लोगों के सामने, तो ना वी आप लोग जब भी आंसर दें तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। ठीक। और फिर अपना आंसर देखिए कि करेक्ट है या रॉन्ग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है योगा फॉर वेलबींग। क्या है इसका थीम? योगा फॉर वेलबींग। तो हमारा ऑप्शन 3 सही है इसमें। ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली कितने टेस्ट मैच में कप्तानी करने के साथ ही सबसे ज्यादा टेस्ट मैच में कप्तानी करने वाले भारतीय कप्तान बन गए हैं। तो बताइए इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो देखिए, यहाँ मैं ज्यादा रुकूंगी नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 61। कितने टेस्ट मैच में इन्होंने खेला है अभी तक? तो 61 मैच में इन्होंने कप्तानी करी है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार का लक्ष्य है किस वर्ष तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को 50% तक कम करना है। बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है अपना। तो हमारा करेक्ट आंसर है 2024 तक, यानी 2024 तक गवर्नमेंट का जो लक्ष्य है वो है कि भाई जितने भी सड़क दुर्घटनाएं वर्तमान समय में हो रही हैं, उसमें हम 50% तक की कटौती कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा किस देश में खोजा गया है। तो करेक्ट आंसर बताइए, तंजानिया में, अंगोला में, बोस्वाना में, या दक्षिण अफ्रीका में, कहाँ खोजा गया है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन 1, बोत्सवाना। कहाँ खोजा गया है? तो बोत्सवाना में। ये दुनिया का तीसरा सबसे लार्जेस्ट जो डायमंड है वो खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर कैनेथे कोंडा, जिनका निधन हो गया है, किस देश के पहले राष्ट्रपति और संस्थापक पिता थे? बताइए कि जाम्बिया के थे, जमैका, केन्या और जिम्बाब्वे, कहाँ के ये पहले जो राष्ट्रपति हैं वो, और उस देश के संस्थापक व्यक्ति थे। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए है, 1 जो है जाम्बिया वो है, और इनकी इनका निधन हो गया था, जिस पर जो प्रधानमंत्री जी ने हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक उपदेश भी दिया था और उनके महत्व को समझाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर साल 20 जून को कौन सा दिन मनाया जाता है? बताइए कौन सा दिन मनाया जाता है हर साल 20 जून को? मरुस्थलीय और सूखा का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस, विश्व रक्तदाता दिवस, विश्व पवन दिवस, या विश्व शरणार्थी दिवस, कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 4 होगा, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून को मनाया जाता है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस निकलते हैं कि कौन सा दिन कौन सा डे मनाया जाता है। जून में ही देखिए, जून में ही 5 जून को हमने इन्वायरमेंट डे मनाया, फिर 17 जून को क्या मनाया, ये मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस 17 जून को मनाया गया था। ठीक। और ये डेट्स याद रहने चाहिए क्योंकि ये बेसिकली इन्वायरमेंट से रिलेटेड है और ये जून में मनाए जाते हैं। ठीक। तो 20 जून को अभी क्या मनाया हमने? विश्व शरणार्थी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फ्लिट अवार्ड फंक्शन 2021 में
किस भारतीय नौसेना के जहाज को पूर्वी नौसेना कमान के सर्वश्रेष्ठ जहाज के रूप में चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन 2, INS सह्याद्री को चुना गया है। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 की सूची में कौन सा शहर सबसे ऊपर है? कौन सा शहर सबसे ऊपर है ये बताना है। तो इसमें से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है बेंगलुरु। जो भारत का बेंगलुरु है इसमें सबसे ऊपर है, और उसके बाद है चेन्नई, शिमला, भुवनेश्वर, मुंबई, दिल्ली, भोपाल, रायपुर और गांधीनगर। ठीक, तो कौन है सबसे ऊपर? बेंगलुरु, देन चेन्नई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ओके, ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमने पिछले वीडियो में बहुत डीपली किया हुआ है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है कि और या फिर इसके बारे में एक्सप्लेनेशन और जानना है, तो आप हमारी पिछली जो वीडियोस हैं उसको रेफर कर सकते हैं। ठीक, तो इसका इसका आंसर बताइए कि हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, इब्राहिम रायसी। किसे चुना गया है? इब्राहिम रायसी को चुना गया है, ये है इब्राहिम रायसी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रत्येक वर्ष 23 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 23 जून की बात कर रहा है, 23 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है इसमें से? तो वो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। क्या मनाया जाता है भाई? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस सरकार ने योग विज्ञान में पाठ्यक्रम शुरू किया है? बताइए, दिल्ली ने, हरियाणा ने, असम ने या मध्य प्रदेश ने, किसने शुरू किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है दिल्ली। दिल्ली ने योग विज्ञान में एक पाठ्यक्रम शुरू किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस भारतीय शॉटपुट खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई किया है? तो बताइए, शॉटपुट जो गेम है उसमें किसने क्वालिफाई किया है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है तजिंदर पाल सिंह। क्या है? तजिंदर पाल सिंह, ये हमारा करेक्ट आंसर है। और हम इसके बारे में आप लोग पिछली वीडियो को जरूर देखिए, आपको ना एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस बन सकते हैं इनसे रिलेटेड वो भी वहां पर पिछली वीडियो में समझने को मिलेगा। ठीक है, ये है तजिंदर पाल सिंह। नेक्स्ट है कि AIBA की कोच समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? देखिए क्या है, AIBA की बात हो रही है और उसमें नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है वो बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है डॉक्टर तडांग मीनू। कौन है? डॉक्टर तडांग मीनू, इसका करेक्ट आंसर है हमारा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश की लॉरेन हार्वर्ड क्वालिफाइंग योग्यता को संशोधित करते हुए ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर होगी? ये जो लॉरेन हार्वर्ड है वो किस देश से संबंधित है, किस देश की नागरिक है? ये बेसिकली एक ट्रांसजेंडर है जो ओलंपिक गेम में भाग लेने वाली है। तो बताइए कहाँ से, कहाँ की इनकी सिटीजनशिप है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है न्यूजीलैंड। कहाँ की है ये? तो न्यूजीलैंड की ये रहने वाली है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है कि ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नेतृत्व कौन करेगा? ठीक, भारतीय पुरुष हॉकी टीम जो है उसका नेतृत्व कौन करने वाला है ये आप लोगों को बताना है। तो
मनप्रीत सिंह करेंगे या वीरेंद्र लकड़ा करेंगे या हरमनप्रीत सिंह या इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा मनप्रीत सिंह। कौन है? मनप्रीत सिंह ये नेतृत्व करने वाले हैं और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन हैं। ठीक, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य ने अधिकतम बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहन की घोषणा की है? देखिए ये भारत का ही एक राज्य है। किसने अधिकतम बच्चे पैदा करने के प्रोत्साहन के लिए घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, मिजोरम। ठीक, मिजोरम में ये अनाउंसमेंट किया गया है और जो सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करेगा उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य ने दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ प्लांट लगाया है? यहाँ पर रबड़ प्लांट की बात हो रही है और 2 दिन पहले ही पढ़ाया है, तो बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? तो इसका बेसिकली जो करेक्ट आंसर है वो है असम। असम में ये प्लांट लगाया जा रहा है। ठीक है, और इससे पहले जो तमिलनाडु है वहां पर ये प्लांट लगाया जा चुका है। देखिए, और ये जो प्लांट है वो पूरी तरीके से विश्व का पहला जेनेटिक, पहला अनुवांशिक रबर प्लांट होगा। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के सीजे की नियुक्ति के बारे में बात हो रही है और किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी जी हैं। मुनीश्वर नाथ भंडारी को नियुक्त किया गया है। अब इनके बारे में बता दूं कि ये राजस्थान हाई कोर्ट में भी एज अ जज वर्क कर चुके हैं। ये देखिए, इलाहाबाद में इनको नियुक्त किया गया है और ये किसको रिप्लेस करने वाले हैं? ये जस्टिस संजय यादव के रिटायरमेंट के बाद चीफ जस्टिस की चार्ज को कमांड को संभालेंगे और ये हाई कोर्ट में भी जज रह चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं, किस क्रिकेट टीम ने पहली आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021 जीती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा न्यूजीलैंड। किसने जीती है? न्यूजीलैंड ने जीती है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निकोल पंशियान को निम्नलिखित में से किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अर्मेनिया। कहाँ का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो अर्मेनिया को चुना गया है। और इसका ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो अर्मेनिया है उसके हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, जिसमें ऑप्शन में जो भी हो आपको जो करेक्ट आंसर है वो दिया जाएगा और ये आप लोगों को सेलेक्ट करना है कि निकोल पांचियान अर्मेनिया के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम गीत है लक्ष्य तेरा सामने है, ठीक, इसे किसके द्वारा रचित और गाया गया है? ठीक, तो बताइए इसमें से किसके द्वारा ये गाया गया है और किसके द्वारा ये लिखा गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है मोहित चौहान। क्या है करेक्ट आंसर? मोहित चौहान, इन्होंने लक्ष्य तेरा सामने है गीत गाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहले कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कल ही ये क्वेश्चन किया था हमने। जो दिल्ली है, दिल्ली सरकार, वो दिल्ली खेल विश्वविद्यालय भी स्थापित करने जा रही है और इसकी जो पहली कुलपति है वो कौन है वो आप लोगों को बताना है। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3, कर्मल महेश्वरी।
किसको नियुक्त किया जा रहा है? करमल महेश्वरी को नियुक्त किया जा रहा है। और ये वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं। ठीक, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी पिछले 100 वर्षों में दुनिया के सबसे बड़े दानकर्ताओं की सूची में पहली स्थान पर कौन रहा है? तो एक रिकॉर्ड निकाला गया है 100 वर्षों का, और उसमें सबसे बड़े दानकर्ताओं की एक सूची निकाली गई है। तो पहले स्थान पर कौन है इसमें से? अक्षय कुमार, जमशेद जी टाटा, या जेफ बेजोस, या अजीज प्रेम जी? कौन है सबसे नंबर 1 में? तो वो है जमशेद जी टाटा। जो टाटा कंपनी हमने सुनी है, उन्हीं के जो मालिक हैं, जो फाउंडर हैं, वही सबसे नंबर 1 पर आए हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को लॉन्च किया हुआ है? किसने की है, किसने मंजूरी दी है? तो वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को लागू किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालंधर के कोट कला गांव के प्रदीप सिंह तिवाना हाल ही में किस देश में जज नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने हैं? कौन, मतलब ये जो प्रदीप सिंह तिवाना है, उन्हें किस देश का एक जज नियुक्त किया गया है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ये जज नियुक्त होने वाले पहले भारतीय जज होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने डिजिटल स्किलिंग चैंपियनशिप प्रोग्राम शुरुआत करने के लिए NSDC के साथ करार किया है? किसने साइन किया है भाई NSDC के साथ? तो वो है फेसबुक, सॉरी माफ कीजिए, व्हाट्सएप। व्हाट्सएप ने ये साइन किया है। ठीक है, ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस भारतीय ने ISSF विश्व कप 2021 में कांस्य पदक जीता है? किसने कांस्य पदक जीता है वो आप लोगों को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सौरभ चौधरी। ये है सौरभ चौधरी। ओके, तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश तिब्बत में पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन चलाने जा रहा है? तिब्बत आप लोग को पता ही है, वो उसमें कौन सा देश सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन चलाने जा रहा है? भारत, चीन, भूटान या नेपाल? तो भाई ये जो शुभ काम है वो चीन करने जा रहा है। कौन कर रहा है? चीन करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में DRDO ने चांदीपुर समुद्र तट पर स्वदेशी रूप से विकसित किस रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? ठीक है, DRDO ने किस रॉकेट का सफल परीक्षण किया है वो बताना है। और इसका करेक्ट आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पिनाका। क्या है? पिनाका रॉकेट का इन्होंने सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट्स अ वंडरफुल लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? बताइए किसने ये पुस्तक लिखी है? रेस्किन बॉन्ड, सलमान रुश्दी और जैकिन चान या अमृता प्रीतम, किसने लिखी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है रस्किन बॉन्ड। ठीक, रस्किन बॉन्ड ने ये बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा तो आज टोटल 30 क्वेश्चंस थे और वो कंप्लीट हो चुके हैं। आप कल की क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपने अपने आंसर भी देते रहा कीजिए ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। थैंक यू।